दोस्तों आज अपने पास एक बीपीएल कंपनी की टीवी रही, तो चलिए लगाते हैं इसको पावर में और देखते हैं क्या समस्या है। सबसे पहले तो हम इसको सीरीज में लगाते हैं पावर, तो यहाँ से हम इसको अपने बोर्ड से सप्लाई दे रहे हैं सीरीज में। तो देख सकते हैं सीरीज वाला बल्ब अपना जल रहा है और ऑफ होता है बल्ब तो देखते हैं, लेकिन मुझे ऑफ होने से पहले नहीं, ऑफ होने के बाद लाइट जल चुकी है। तो एक बार हम इसको रिमोट से स्टैंड बाई करके देख लेते हैं क्योंकि ऑन नहीं हो रही टीवी। तो मेरे हिसाब से इसमें टीवी का किट लग चुका होगा, तो इसमें एक हम नॉर्मल रिमोट जो अपना 57L आता है चाइना वाला, वही रिमोट हम इसमें काम करा के देखेंगे। बाकी स्विच वगैरह से भी देख लेते हैं। स्विच देखिए काम नहीं कर रहा है, मतलब प्लेट यहाँ पर है ही नहीं, तो इसे करते हैं ऑन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे हम ऑन कराने का प्रयास कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा है ये। तो चलिए देखते हैं ओपन करके ये क्या समस्या आखिर इसमें है। ठीक है, तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं और आगे की बात फिर हम करते हैं। तो यहाँ पर इसके स्क्रू दिए गए हैं सब, इसको खोल लेते हैं हम। ठीक है, खोलने के बाद मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसके स्क्रू को ओपन कर लिया है, बॉडी को भी पीछे कर लेते हैं। तो जैसा हमने सोचा था इसमें नॉर्मल किट अपनी निकली है चाइना वाली, तो इसको सबसे पहले तो हम साफ कर लेते हैं और इसमें धूल काफ़ी ज़्यादा है। पीसीबी को है स्क्रू से टाइट किया गया, लेकिन पीसीबी जो है कि अपना निकल चुका है यहाँ पर बाहर, तो पीसीबी तो अभी देख कर नई ही लग रही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये 4x22 की पीसीबी है, यहाँ पर डेट जो है कंपनी वाले जो लगाते हैं वही डेट रहा। इसको थोड़ा सा हम साफ सफाई कर लेते हैं, काफ़ी धूल देख सकते हैं आप सब, जाला लग चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ करने के बाद चलिए हम आगे चेक करते हैं। तो ठीक है, पीसीबी तो बिल्कुल साफ है, पीसीबी में कोई कमी दिख नहीं रही है, मतलब सफाई में ज्यादा गंदगी नहीं दिख रही है, कमी तो है तभी तो आई है अपने पास। ठीक है, अब इसको हम लगाते हैं फिर से पावर में, सप्लाई वगैरह चेक करते हैं, सप्लाई कितना कहाँ पे हमको मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने इसको लगा दिया है पावर में, सीरीज में ही लगाया पावर को, और यहाँ से अपना मल्टीमीटर हम लेते हैं। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज पर रखते हैं और एक बार हम ग्राउंडिंग कर देते हैं फिक्स्चर ट्यूब के अर्थ पर। ठीक है, ये हमने ग्राउंडिंग कर दी है यहाँ पर इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप तो। और इसके बाद सप्लाई यहाँ पे चेक करते हैं योक पर इसके, तो योक पर 117 वोल्ट की सप्लाई, और बाकी दूसरी सप्लाई चेक करते हैं तो ये 17 वोल्ट साउंड की, 12 वोल्ट सिस्टम, 27 वोल्ट वर्टिकल और ये मेन सप्लाई। ठीक है, और चेक करते हैं यहाँ पर स्टैंड बाई सप्लाई बन रही है नहीं, तो स्टैंड बाई बन रही क्योंकि आगे लाइट जल रही थी अपनी, तो स्टैंड बाई भी बन रही है अपनी। तो ये रिमोट इसमें मैच नहीं कर रहा था, बाकी टीवी अपनी ऑन हो गई है। यहाँ पर जब मैंने इसको शॉर्ट कराया तो टीवी ऑन हो गई है, देखते हैं आगे डिस्प्ले आता है या नहीं। ठीक है, और देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं रिमोट का वायर टूटा हो ऐसा कुछ, देखते हैं। डिस्प्ले तो ऐसे आ जाना चाहिए बट डिस्प्ले नहीं है। ऑन होने के बाद जो बूस्ट बूस्ट सप्लाइयाँ बनती हैं उन बूस्ट सप्लाइयों को हम चेक कर लेते हैं, मालूम हो जाएगा टीवी ऑन हुई है या नहीं, बिना डिस्प्ले देखे हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंडिंग पर फिर से वायर को हम लगा देते हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगा क्योंकि जब ऑन होती है तो एक आवाज़ आती है टीवी से, तो उस तरीके का आवाज़ आया था यहाँ पर। तो 117 वोल्ट, तो अब ऑन हो चुकी है टीवी, 180 वोल्ट की सप्लाई, ये लगता है 200+ है, 200+ लग रहा है, 204 है, 205, सो ये ऑन है। बाकी फिलामेंट भी इसका जल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप सब, तो डिस्प्ले अब आ चुका होगा, देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है। और देखते हैं रिमोट क्यों नहीं इसमें काम कर रहा है, तो रिमोट का वायर तो सब लगा हुआ है बट रिमोट थोड़ा सा इसका मेरे हिसाब से ये दूर है,
यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रहेगा, ठीक है। अंदर का दिख नहीं पा रहा है, रिमोट अपना जो है कि ये इसको काम करा के देखते हैं काम करता है या नहीं। तो इसमें ये रिमोट ही नहीं मैच कर रहा है, तो किया लेकिन थोड़ा सा इसका सेंसर कमज़ोर है, देख सकते हैं रिमोट किया काम। तो ठीक है, स्टैंड बाई की समस्या, रिमोट ना काम करने की वजह से दिक्कत हुआ। और इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका सेंसर कमज़ोर है, काम सही से नहीं कर रहा है, उसका तरीका मैं आपको एक बता देता हूँ। जो नई किटें आ रही हैं उसमें ये थोड़ी समस्या आ रही है। यहाँ पर देखिए, जैसे इस पीसीबी में एक कैपेसिटर की ज़रूरत है, यहाँ पे जो है कि कैपेसिटर नहीं दिया गया है। एक कैपेसिटर आप लगा देंगे तो इसका सेंसर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। बार बार आपको रिमोट दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूर से ही काम कर जाएगा। तो यहाँ पर 116 का भी आप कैपेसिटर लगा सकते हैं, 100 mF का। तो एक कैपेसिटर हम लगाते हैं यहाँ पर 100, 220 कोई भी, ठीक है। तो अपने पास ये एक 116 का कैपेसिटर रहा, इसको हम लगा देते हैं। ये रहा 100 μF का है ये, सो माइनस प्लस पे ही लगाएंगे इसको, IR पे नहीं लगाएंगे हम। तो इसमें IR का जो इस तरफ का भाग है, ये वाला भाग, ये पिन, ये पॉजिटिव है, और बाकी ये बीच में जो है ये नेगेटिव है, और ये IR है। तो ठीक है, माइनस प्लस जोड़ देते हैं इस तरीके से यहाँ पर। इससे रिमोट हमारा सेंसर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा, और अच्छे तरीके से, ठीक है, दूरी बढ़ जाएगी इसकी। बहुत सी पीसीबी में दिया रहता है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए दिक्कत किया, ठीक है। अगर यह लगा होता तो उनको टीवी खोलने की ज़रूरत नहीं थी, बाहर से काम हो जाता। चलिए अभी हम इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद हम एक बार फिर से इसका चेक करते हैं कैचिंग किस तरीके से है रिमोट का, ठीक है। ये हमने लगा दिया है कुछ इस तरीके से, और हम देखते हैं रिमोट काम करता है नहीं। देखिए, रिमोट यहाँ से मैं काम करा रहा हूँ, सही है। आगे भी इसको हम बॉडी में लगा लेते हैं, और लगाने के बाद हम इसको पैक करते हैं, और फिर इसके बाद चेक करेंगे, ओके, कैचिंग इसका आप कैसा हुआ। ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है, सेंसर वाली समस्या को आप कैसे सही करेंगे, सही से न कैच करने वाली समस्या, ठीक है। इसको हम टाइट कर लेते हैं, फिर हम टाइट करने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको पैक कर लिया है, अब चेक करते हैं इसकी टेस्टिंग हम लगाकर इसमें पावर को, ठीक है। पावर लगा दिया है हमने। पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और, इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। अहमियत इस बात की नहीं कि आप किन बुलंदियों पर है, बल्कि इस बात की है कि आप पहुँचने का हौसला किससे मिला। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बना, ठीक है। तो दोस्तों, इसके हम टेस्टिंग करते हैं रिमोट की। देखिए, अब ये दूर से अपना सही काम कर रहा है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, धन्यवाद। ये बड़ा खुलासा हुआ है।